हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। आप भी कर दो राम राम। आ जाओ, जोर के बताओ। राम राम जी। कैसे आप सब? कैसे आप सब? आप सब ठीक होगे? और हम भी ठीक है। और गाज? हाँ, घर ही बनगा पूरा। हाँ। और जी, आज जाना हमें ड्यूटी। आज भी ड्यूटी चलते हैं अपने थोड़ा घर की। हाँ, ड्यूटी पे जाना। आज संडे है लेकिन छुट्टी भी है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि छुट्टी हो चाहे संडे हो करने पड़ते हैं, तो आज वही काम करने के लिए आ रहा। अब भी चलोगे? लो तो ये लगाओ, फिर चलेंगे दोनों भाई। अभी कपड़े तो बदल लूँ। हाँ, कपड़े बदल लो। अरे तो पहले चश्मा पहन के दिखाओ, कैसे लग रहे हैं? इधर कुदाओ तारक मेहता, जा लिया अंदर। क्या करिए? घर घर अंकित भैया होंगे जब चल जाइए। अभी सारे नहीं वहाँ से। शाम के टाइम जब शाम के टाइम मुझे जब शाम के टाइम स्विमिंग पूल भर जाएगा ना, जब चलेंगे भैया जी। जब मैं स्कूल जाता पहले मुझे मिस्त्री दिखे थे। मिस्त्री दिखे थे? अच्छा, मिस्त्री दिखे थे पहले मुझे जब मैं स्कूल जाता। चलो तो लाओ चश्मा दे दो मुझे, ये चल रहे। उधर जाना अब। बाइक बाइक रेडी है और बैग ही रहा मेरा। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आ चुका हूँ अपने कार्य पर। यहाँ पर मुझे करवानी है चक्रोड़ की सफाई। तो सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि मन्ने का काम करवाना है थोड़ा सा, तो मन्ने का काम में ये चक्रोड़ सफाई करवाई है मैंने। देखिए नीचे तो कर लेते हैं, नीचे 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 तो बड़े लगते हैं, नीचे तक की साफ सफाई करवा दी है। देखिए गुड़न चाहिए चक्रोड़ की इसकी, इधर से इधर तक का ये सारा कबाड़ा उठाया हुआ। फिर बिल्कुल भाई बताऊंगा, जा सरनावली करना पड़ सका थोड़ा काम। पानी पीने के लिए आए थे यहाँ से, ठंडा ठंडा पानी। तो देखे जी, 12 बज चुके हैं और मैं आज गया ड्यूटी से अपना कार्य कर जितना काम था आज का वो संपूर्ण हो चुका है और अब घर आया हूँ। और ये देखे बोतल से पानी पी रही है, पानी नहीं ठंडा, ठंडा पी रही। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। तू सो रही थी? हाँ, मुझे उसी दिन चक्कर आ रहे थे संडे में। तो संडे में एंजॉय करी, नहीं पता लगा आज क्या बनाया। पूछ लो दीदी से बार बार। मैं गया था 8 बजे यहाँ से, ऊपर छोले बनने थे, छोले पूरी बने ऊपर। छोले पूरी? हाँ। के नाम भी? पता नहीं किस खुशी में। अच्छा, जब तू भाग के ला। नीचे क्या बना रखा? नीचे बता क्या बनाया। जब मठे साथ भाग के लाओ, दोनों बाग भाई खाओगे। चलो तो आप भी खा लीजिए छोले पूरी। तो देखिए दोस्तों, दादी बुआ और बुआ जी जो है सत्या पूज रही है। वो जी सत्या लगा रहे हैं, गोबर के सती लगा रहे दीताओं पे। इधर बुआ जी, पिंकी बुआ जी, दादी बुआ। फरस पूरा गर्म हो रहा, 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे। तो लगा दूंगा।
ये कर दो पूरा इधर आ का अच्छा थोड़ा स्वेटर आ गया दवाई छिड़क रहे हैं खेत में हमारे ऊपर भी फुहारे से आ गए और दादी बुआ और बुआ जी देखे यहाँ पर लगाए सतिया सतिया लगा रहे देता ऊपर जब बच्चे का जन्म होता है घर में तो जब सतिया लगाते हैं देता ऊपर आकर और जब होम होएगी उसके बाद ये सतिया हट जाएंगे और फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था पैर भी रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो बुआ जी ने देखे अपने पैर के नीचे जो है इंटी रख रखी है और दादी बुआ ने रख रखी थी लेकिन दादी बुआ ने धद्दी है अलग आठ देवता हमारे यहाँ पर विराजमान है और आठों के लिए कपड़े का एक जोड़ा रख दिया है देख सकते हैं आप सत्य लगाने के बाद बुआ जी ने देखे जोड़े उठा लिए हैं वो भी जो उठा के इनके घर ले जाएंगे और ये बुआ जी और दादी बुआ को ही दे जाएंगे ये धानियों को ही दिया जाता है यानी कि घर की जो लड़कियाँ होती है बुआ होती है उनको दिए जाते हैं जिनके साथ हुई रहती है चलो जी सत्य पूछ दिया है सत्य पूछ दिया सत्य लगाए अब चलते हैं घर और सवा तीन बज चुके हैं घर आ चुके हैं हम देखे जी सत्य लगा कर अब घर भी आकर सत्य लगाने हैं देखिए यहाँ सत्य लगाएंगे दरवाजे के पास उधर बुआजी लग गई इधर जाती हुई गेट की ओर दादी बुआ सत्य लगा रहे हैं दूसरे गेट की ओर जो है पिंकी बाई सत्य लगा रही है तो देखिए कैसे सत्य लगाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है छोटा भाई आता है घर में छोटा बेबी आता है या छोटी भाई बहन जो भी आते हैं गांव में तो ऐसे सत्य लगाते हैं जी जब छोटा बेबी घर में आता है शहर का तो मुझे पता नहीं वो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं तो हमारे यहाँ से गाँव में तो ऐसे पूछते हैं सत्य घर में और सबसे पहले देवताओं पर लगाते हैं उसके बाद भूमिया पे लगाते हैं और फिर घर आकर लगाते हैं भूमिया की नहीं बनाई वीडियो मैंने मतलब भूमिया पे नहीं गए थे हम कुछ गांव की फैमिली जाती है लेकिन हम नहीं जाते दादी बुआ बोल रही थी दादी माँ बोल रही थी और ये सत्य जो लगते हैं गाय के गोबर से लगते हैं तो गाय के गोबर से ये चंद्रमा आकार का बनता है और एक जो है नमक के आकार से बनता है तो इसको सत्य बोलते हैं इसमें सात घेरे होंगे इसके गोल गोल जब ये पूर्ण हो जाएगा ये कितने लगेंगे इनकी गिनती लगेगी है जी कितने लगा तो ये गोल गोल थे हां ये बस ले जाना हां बड़ा भाई बोले देख राम हेलो दोस्तों देखिए शाम का समय हो चुका है और मैं घर आऊँ फिलहाल अभी तो यहाँ पे मुझे डालना है डस्ट दो लाइन में डालेंगे एक दो लाइन डालते हैं चार खन्ने हो जाएंगे इसमें तो चार खन्ने में डस्ट डालना है अकेला ही हूँ अंकित ड्यूटी गया है गगन आया नहीं ठीक है जी तो लगता हूँ अपने काम पे ये थोड़ा सा डस्ट यहाँ पर पड़ा है रेत पड़ा है ये मिक्स पड़ा मलबा सा तो इससे पानी रुक जाएगा कुछ से डालता हूँ और कुछ नीचे लम्मा नीचे से तो बहुत आएगा यहाँ पर थोड़ा आएगा बस तो नीचे से ज़्यादा लाना है यहाँ तो ये पाँच छः तो से मुश्किल से ये देखिए जी ये डाल दिया मैंने रिश्ता वो नीचे वाला डस्ट रोड़ी रिश्ता मिक्स है ना ये ख़राब है जो सा ये डाल दिया बाउंड्री करने के लिए लेंटर पे जी इस पर चंगड़ते को डालना चार हिस्से बनाने इसके चार बनो या पांच बनो बनाना जरूरी है
और उनको बनाने के बाद चार हिस्से बनाने के बाद इसके चार पांच, उसके बाद पानी चलाना है इसमें, पानी भरना है, यानी कि बंदरों के लिए स्विमिंग पूल बनाना है और लेंटर की मजबूती के लिए पानी चलाना है। यहाँ से डस्ट के तीन तसले भर लिया जी मैंने, पहले तीन तसले गिर गाऊँगा उसके बाद फिर तीन तसले भरूँगा। तो ऐसे करके यहाँ से डस्ट भेजना है ऊपर जहाँ पे हमने कैरी बनाई है, मैंने बनाई है अकेले, अंकित यहाँ पर है नहीं, टूट गया है, गगन आया नहीं, तो अकेले लग रहे हैं आज। तो ये देखिए जी, एक लाइन पूरी कर दिया है, ये देखिए, यानी कि दो हिस्से बन गए इसके, एक हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया ये। तो जहाँ पर ये टैंक रखा और एक खंभा है पीछे, वहाँ से मिला रहा हूँ और दूसरी मंजिल पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब कि वजन लेके जल्दी चढ़ नहीं आता। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह पेड़ी तो हो गई ऊपर की, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस टोटल ये 30 पेड़ियाँ हैं और सांस चढ़ जाता है इन पर चढ़ने में, सांस फूल जाते हैं। ये देख ली, ये देख जी, ये डोली हो गई, वाद्य हो गई और पूरा थक चुका हूँ इस टाइम फिलहाल, तो आधा काम रहेगा बस, आधा फाइनल होगा, आधा रहेगा, आधा घंटा काम है मुश्किल से, 25 तसले हो रहा है 20-25। ये देखिए जी, चार कैरिया हमने बना दिया है, गगन भी आ गया था, गगन ने भी गिरवाया है जाकर, और यहाँ पर हम गुस्सा करना पड़ेगा ये, तो एक तसला जो है डस्ट का एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर, एक और गगन लाएगा और वो फाड़ा उठा लिए जी, और पाइप बिजली आएगा, बिजली आएगी तो पानी भरेगा तारे को हवा, सूर्यास्त भी होने वाला है, कुत्ता आने जा था। देखिए ला दिया पानी पी लो, ले ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी, देख अपना आप ही लगा रहा दो, तो सारे सारे चारों कैरे बनने आज, ये बनना शुरू हो गया है। पापा जी भी आ चुके छत पर, देखे एक कैरी हमने भर दिया पानी की, ये देखिए, और अब दूसरी कैरी में नंबर आ चुका है, ये देखिए दूसरी कैरी पे पानी चल रहा है, जा लाइट भी आ गई जी, और समय हो चुका है 7:20, तो आधे घंटे में सारा भर जाएगा ये। और बंदरों का स्विमिंग पूल बन चुका है, अब कल वो उछल कूद कर देंगे बंदरों के बच्चे, हाँ बंदरों का स्विमिंग पूल बन गया भैया, कल को देखिए या रात को देखिए, सुबह सुबह मस्ती करेंगे, दिन में मस्ती करेंगे पूरी, पहले तो वहाँ तक कूदते थे पर कहीं तो नहीं कूदने के, कहीं कूदेंगे बस, पिकअप कहीं तो नहीं मरना, अरे हाँ उधर से नहीं कूदने के, यहीं रहोगे बस, तो पौने 8 बज गए जी, और 7:45 बजे यार तीन ही कह रहे भरे अब तक, ये देखिए, और ये भी आधा भरा क्योंकि इसको बराबर का जो है पानी लीकेज कर रहा ये डोल, और अभी इसमें भरना शुरू करा चौथे में, चौथे में भरना शुरू करा है।